जो मटीरियल है अगर उसनु तुसी हीट करते हैं तो उदे वॉल्यूम ते अफेक्ट होएगा कि नहीं होएगा मास ते मास ते होएगा गर्म करन ते बॉडी का मास ते फर्क पैंदा है मास नहीं ते मास ओवर वॉल्यूम नु की कहने आपां डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम इज डेंसिटी आई गया ना तो क्योंकि डेंसिटी है मास ओवर वॉल्यूम लिख सकते हैं लिख सकते हैं हूं अगर थानू कोई कहे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स तो डेंसिटी का बन गया डी रो जिद एक्स नो आफ्टर डिफरेंशिएशन डी एक्स हो जाता हूं राइट साइड पे कितनी टर्म्स है बुक दो यू वी फार्मूला पर दोनों चो एक टर्म की है कांस्टेंट केड़ी टर्म तो मास नु लगो कहना नहीं तो जो आप वॉल्यूम नु डिफरेंशिएट करेंगे पहला पावर नीचे से बन जाएगा तो जीरो आ गया माइनस एम है ना तो आ देखो आ नंबर वन है आ नंबर टू है डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाय वन तो जीरो नीचे रो जो तो आप एम ओवर वी स्क्वेयर एम बाय वी ना डिवाइड करा के ये बन जाना माइनस डीवी बाय ये लिख लो वेरिएशन ऑफ डेंसिटी Variation of density with temperature. ना देखियो कुछ ध्यान दियो गल नु समझियो हुण डीवी की हुंदा चेंज इन वॉल्यूम और वी की है ओरिजिनल वॉल्यूम सिंबल कल गया आपां लिखे ना वी नॉट वी वो कल दे सिंबल सी आज दोबारा देखो क्योंकि आपां मन्निया कि बॉडी का मास है एम ओरिजिनल डेंसिटी है रो ओरिजिनल वॉल्यूम है वी तो वी ओरिजिनल वॉल्यूम है डीवी की है चेंज इन वॉल्यूम क्यों चेंज इन वॉल्यूम टेंपरेचर करके तो टेंपरेचर करके कल देखो डेल्टा वी की वैल्यू की लिखी सी तुसी लोगों ने ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू गामा इनटू डेल्टा वी इट मींस चेंज इन डेंसिटी क्या गई माइनस रो गामा अपन की क्रॉस बन चेंज इन डेंसिटी क्यों गई फाइनल डेंसिटी माइनस ओरिजिनल डेंसिटी और आज का साडा सिंबल कल की सीगा ओरिजिनल वॉल्यूम सी वी नॉट ते फाइनल की सी कला वी पर आज जे वी की है ओरिजिनल वॉल्यूम ध्यान ही रखना है सीधा ना तो इस करके फाइनल डेंसिटी माइनस इनिशियल डेंसिटी या ओरिजिनल डेंसिटी ही है चेंज इन डेंसिटी नो तो फाइनल डेंसिटी की आ गई
ऊपर है चेंजिंग डेंसिटी विद टेम्परेचर, नीचे है फाइनल डेंसिटी, तो ओरिजिनल डेंसिटी का रिलेशन। गल समझ आ भी रही है सानू कि जदों असीं टेंपरेचर नूं इंक्रीज करांगे किसे बॉडी दे नूं तां उहदा वॉल्यूम की करेगा इंक्रीज, ते जे वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तां डेंसिटी डिक्रीज करनी चाहिए है, तो नजर आ रहा है क्योंकि जदों टेंपरेचर इंक्रीज होएगा आ टर्म दे विच माइनस आ रहा है ना, तो जदों आ टर्म इंक्रीज होएगी तां आ टर्म डिक्रीज करेगी। एक गल समझ आ गई। हुण देखो देखो एक ना हुण आपां रेगुलेशन लिखना मन तो देखो जब कोई भी ऑब्जेक्ट बॉडी मटेरियल सबस्टांस दा टेंपरेचर इंक्रीज करते हैं उसके वॉल्यूम ते की फर्क पैंदा इंक्रीज होंदा है ना, यही गल कर रहे ना आपां। हुण मान लो हुण गल फर्क समझियो कुछ इस चीज का, एक कंटेनर कंटेनर और आ है लिक्विड, ठीक है। हुण अगर मेनू कोई आके कहे कंटेनर दे अंदर जो लिक्विड है असीं हीट सप्लाई कीती इस सिस्टम नूं, उन्हें हीट क्यू किहदे कोल जाएगी, ए हीट क्यू किहदे कोल जाएगी, कंटेनर को भी जाएगी ते तो दोनों दा वॉल्यूम की करेगा इंक्रीज करू के नहीं करू करेगा। हुण अगर वो मेनू पूछे कि लिक्विड दा वॉल्यूम कितना इंक्रीज होया, ठीक है, हुण इस गल नूं समझण दे लई मैं एक तुहानूं आपां रियल लाइफ दी एग्जाम्पल जोड़न दी कोशिश करने हां कि इत्थे कंटेनर दे विच कौन है, लिक्विड, यही है ना दो चीजां, कंटेनर प्लस लिक्विड। हुण तुसी समझो भई तुसी और थोड़े नाल से कोई और परसन है उन्हें जोड़ लो, फ्रेंड हो सकता, पेरेंट्स है, ब्रदर है, सिस्टर है, कुछ भी कह लो कि तुसी ते थोड़े नाल थोड़ा ब्रदर है, ठीक है, समझ आई गल। हुण तुसी और थोड़े ब्रदर दोनों घर च हैं, रिश्तेदार आए, ठीक है, रिलेटिव आए, पुराने जमाने च तां ट्रेडिशन हुंदी सी कि जदों रिश्तेदार जान लगदा सी ना तो बच्चियां नूं कुछ दे जांदे है ना, अजकल भी है, तो वो जी दे के गए आ वो की है हीट है, आ वाली हीट है ना। हुण मान लो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪਏ ਆ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਐਸੇ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕੋਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਹੋਏ 800 ਰੁਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੈ।
800 रुपया थोड़े ब्रदर को ला है, थोड़े को 1000 रुपया वा। तो स्टार्टिंग चे थोड़े को ब्रदर नालो कितने पैसे ज्यादा वा? 200 रुपया। ठीक, उन्होंने रिश्तेदार गए जान लग गए है, उन्होंने की किता त्याग नहीं दिता, उन्होंने एक नोट कटिया थानू फड़ाता 500 रुपये का, तो ब्रदर को भी फड़ाता 200 रुपये का, पार्शियलिटी कर गए है ना, 200 रुपया फड़ाता, 500 थानू फड़ाता, थोड़े को कितना हो गया हूं 1500, तो ब्रदर को 1000 है ना। हम जवाब दियो, जे थोड़ी प्योरली गल हो रही है, प्योरली ता प्योरली थोड़े को कितनी अमाउंट वधी है? 500 रुपया। अच्छा, पर जे ब्रदर के अकॉर्डिंगली देखिए तो थोड़े को कितनी अमाउंट वधी? रिलेटिव टू ब्रदर कितनी ज्यादा हो गई? हूं पहला कितनी ज्यादा सी? 200 रुपया, थानू कितना? थोड़ा हूं 1500 हो गया, उसका 1000 है ना। मान लो 200 नहीं है, उन्हें 100 रुपये देता ताकि डिफरेंस नो मेंटेन कर लिए, क्लैरिटी हो जाए, तो उन्हें 100 रुपये देता, थानू 500 दे गया, तो उसके को 900 रुपये हो गया, थोड़े को 1500 हो गया, कितना फर्क पै गया हूं? तो वैसे थोड़ा कितना बढ़िया, थोड़ा एक्चुअल बढ़िया 500, बट रिलेटिव टू ब्रदर 600। तो दो चीजें च फर्क है ना, एक कुछ गल वेले जब तक तुसी थोड़ा अपने नाल मुकाबला वा भी थोड़े च प्योरली कितना इंक्रीज होया, वो तो है प्योर इंक्रीज, पर जब असि ब्रदर नाल कंपेयर करते हैं वो की है? रिलेटिव, रिलेटिव टू ब्रदर है ना। दोनों चीजें च की है, सेम है कि फर्क है? दोनों अलग अलग आ रही है ना। हुण ओही चीज इत्थे आ, मान लो हुण गल नूं समझियो, मान लो आपां काम नूं थोड़ा आसान कर दिंदे आ कि अगर थानू कोई कहे इनिशियल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना, हाले हेडिंग नहीं लिखना, तो तुसी कहना वी नॉट ते इनिशियल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना मांगो, तो वो भी सेम ही है क्योंकि आपा कंटेनर नो पूरा भरता, आसान किया थोड़ा काम। अच्छा हुन लेट जदों हीट मिलेगी तां कंटेनर और लिक्विड आपस च की है? कॉन्टैक्ट च है ना, थर्मली कॉन्टैक्ट च है, तो दोनों का चेंज इन टेंपरेचर सेम होएगा, अलग अलग नहीं होना, सेम चेंज इन टेंपरेचर, हीट अलग अलग मिल सकती है, बट चेंज इन टेंपरेचर दोनों का भी इनिशियल और फाइनल टेंपरेचर जिन्ना कंटेनर का उन्ना ही लिक्विड का इनिशियल, जिन्ना फाइनल उन्ना ही। तो लेट चेंज इन टेंपरेचर बी डेल्टा थीटा। अच्छा, क्या लिक्विड ते कंटेनर दोनों मटेरियल सेम है? अलग है। इसका मतलब गामा एल की हो गया कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, ते गामा सी की हो गया पुत्र कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर। अच्छा हम तो कोई कवे लिक्विड का फाइनल वॉल्यूम दसो, लिक्विड का फाइनल वॉल्यूम, लिक्विड का फाइनल वॉल्यूम कितना लिखांगे? इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस गामा एल इनटू डेल्टा थीटा। ये कोई कवे कंटेनर का फाइनल वॉल्यूम दसो कितना लिखांगे, है ना कि नहीं? बोलते नहीं, कंटेनर मान लो तुसी हैं, कितने रुपए से थोड़े को? 1000 रुपया। लिक्विड ब्रदर है,
जरूरी नहीं भी 800 रखना, 1000 भी कर सकते। तो 800 की जगह की करता अपना इन 1000 क्यों क्या दोनों बराबर रखे है ना, इस करके चलो। हुन चेंज इन टेंपरेचर दोनों का सेम है, गामा एल की है आ गया। आ कौन है ये ब्रदर नु, कितने पैसे मिले उन्हें रिश्तेदार ने, 100 रुपया देता, कितने हो गए उन्हें 1100 हो गए ना, क्योंकि 1000 मनया। कंटेनर पानू कितने मिले 500, पहला कितने सी 1500 हो गए है ना। हुन कंटेनर दा विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड कितना राइज होया 400, कितना कटांगे एदे विचों आहा माइनस कर, मतलब चेंज इन वॉल्यूम केड़ा कंटेनर दा विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, उल्टा भी तो लिख ही सकते हैं, ओदे च की करांगे इनु एदे चो माइनस करते हो तो लिखन दा ही। तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर कितना कटया जाएगा, एदे चो आहा माइनस करते हो, माइनस करोगे की आंसर आएगा, चेक करके देखो आंसर आ जाएगा तुम्हारा, इधर जो आप माइनस करके देखियो आंसर आ जाएगा है ना। जबकि वैसे चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना आएगा, जे कल्ला लिक्विड दे चाहिए फिर की करांगे इधर विचों आहा 1100 चो 1000 पहले वाला माइनस करांगे तो आ बन जाएगा सारा V नॉट। आ दोनों चीजें फर्क समझ आया तो अनु के नहीं आया, तो आ है चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर दे हिसाब ना, क्योंकि कंटेनर भी तो एक्सपेंड किया ना, तो आ है प्योर जिन्ना लिक्विड का वॉल्यूम चेंज हुआ। तो आ जी टर्म है पुत्र इहदा की नाम रखिया होया कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, और आ जी टर्म है ना वाली इन असी कह दें apparent coefficient of volume expansion of liquid, इतना की फर्क है तेनू नहीं समझ लगी गल दी, लग गई है तो बिल्कुल ही नहीं लगी, ता भी साइलेंट ही रही था आपा, फर्क पता लगा दोनों च कि जदों मेनू कोई कहेगा कि लिक्विड दा प्योरली कितनी एक्सपेंशन हुई है पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टेंपरेचर ता इतनी हुई है, पर कंटेनर दे हिसाब नाल इतनी नजर आनी है, क्यों, क्योंकि कंटेनर आप भी एक्सपेंड किया हुआ ना। अच्छा हुन जदों भी थानू कोई पूछे एपरेंट कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड हो कितना कटना, लिक्विड दी वॉल्यूम एक्सपेंशन चो कंटेनर दा वॉल्यूम एक्सपेंशन माइनस करके। हुन आ बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगे यूज होएगा फिर आपा क्लियर करांगे नु, तो इस तक नोट करो, हेडिंग लिखो apparent coefficient of volume expansion of liquid, apparent volume expansion of coefficient of volume expansion of liquid, apparent coefficient of volume expansion of liquid,
ठीक है। अच्छा उन्हें कहना वो तो है स्पेशल केसेस देखने अपन स्पेशल बेसिस को। अगर गामा एल मतलब गामा एल ते गामा सी दोनों की वैल्यू सेम होए बाय चांस की होएगा आ टर्म जीरो हो जाएगी तो आ टर्म भी जीरो हो गई। इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर लिक्विड का वॉल्यूम की रहेगा सेम। और इसका मतलब की है कि चाहे आपका टेंपरेचर बढ़ाता हुआ पर लिक्विड का लेवल की रहेगा लेवल ऑफ लिक्विड रिमेन्स सेम। वो खुद च कोई फर्क नहीं आना मतलब देखने वाले को लगना कि लिक्विड का लेवल जिस निशान पे है उठे गया वा ना ऊपर होया ना नीचे होया पर ये होना कदों जदों कंटेनर दा और लिक्विड दा गामा बराबर ते जे पुत लिक्विड दा गामा कंटेनर दे गामा तो ज्यादा होए फिर स्पिल कर जाना डुल जाना लेवल विल राइज कर जो क्योंकि तो लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा बढ़िया कंटेनर का घट तो जिस करके देखने वाले को लगेगा कि हीट करने से लिक्विड लेवल ऊपर चला गया तो जे गामा एल गामा सी तो घट हो फिर लिक्विड लेवल विल फॉल कर जाए। मान लो जिस कंटेनर तुसी लिक्विड भरया हुआ है ना तुसी हीट कीता जदों ता अगर कंटेनर दा साइज ज्यादा बढ़ जाए तो लिक्विड दा वॉल्यूम उन्ना ना बढ़े की होएगा सानू लगेगा कि लिक्विड दा लेवल नीचे नु आ गया। रियलिटी छो सर वो तो मटेरियल दी नेचर डिसाइड करेगी ना ये सारा कुछ हो सकता। अच्छा हूँ एक और गल करो तो देखियो फर्क समझो किसी भी बॉडी का जो वॉल्यूम क्या सी वो कितना चेंज करेगा वो किड़े-किड़े फैक्टर्स पे डिपेंड करता सी ओरिजिनल वॉल्यूम दूसरा चेंज इन टेंपरेचर पे तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल गामा दे ना अमाउंट ऑफ मटेरियल ते नहीं हाँ फर्क समझियो पुत ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हो सकता है असाइनमेंट से भी होए। हाँ देखो नोट करना आ है थोड़े गोल सॉलिड स्फीयर और आ है हॉलो स्फीयर या स्फेरिकल शेल दोनों का ओरिजिनल वॉल्यूम की है सेम मटेरियल भी सेम है दोनों का जो मान लो ये आयरन है तो भी आयरन ही है कॉपर है तो कॉपर है ए है तो ए है बी है तो बी है दो स्फीयर है दोनों का ओरिजिनल वॉल्यूम की है
सेम है ना, मटेरियल भी दोना था, एदा मतलब दोना था का गामा भी सेम होएगा। क्यों सेम होएगा, मटेरियल सेम। अच्छा मास कितना ज्यादा होएगा, कितना मास ज्यादा होना, समझेंगे। तो मास ऑफ सॉलिड ग्रेटर देन मास ऑफ होल, मास से फर्क। चलो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੇਮ ਹੀਟ ਇਜ਼ ਸਪਲਾਈਡ ਟੂ ਬੋਥ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਹੀਟ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਨੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਹੀਟ ਦੇ। ਤੋ ਸੇਮ ਹੀਟ ਸਪਲਾਈ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫਾਈਂਡ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੋਲਿਊਮ। ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੋਲਿਊਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਵੋਲਿਊਮ ਗਾਮਾ ਦੇ ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ। ਇੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਵੀ ਨਾਟ ਕਿਆ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਸੇਮ ਹੈ, ਬੁੱਤਨ सेम है, गामा चेंज इन टेंपरेचर दोनों ही सेम है, बोलो कितना पता लगा। कितना पता लगा चेंज इन टेंपरेचर दोनों ही सेम है, इक्वल है, सोचिया कितना है? मैं तक कहते क्या ही नहीं है अभी डेल्टा थीटा सेम है, मैं तक क्या दोनों नु हीट सेम मिले कंडीशन है। हुन चेंज इन वॉल्यूम कटन ले सानू की चाहिदा चेंज इन टेंपरेचर, पर सानू केडी इंफॉर्मेशन दीती है हीट दी, तो हीट और चेंज इन टेंपरेचर दा रिलेशन पढ़ के नहीं आया आपा U is equal to MC delta theta, है ना? C कहाँ तक depend करता? Nature of material पे, इधर मतलब दोनों दी C की है same, दोनों दा M की है same, M की है दोनों दा different, Q की है दोनों दी तो डेल्टा थीटा आई बन गया एक हीट और चेंज इन टेंपरेचर का रिलेशन। तो इस करके इधर छुट करके डेल्टा वी का फार्मूला कितना तैयार कर लिया, वी नॉट गामा क्यू एम सी, लो आ बन गया। मींस हुन जो आप मैं फार्मूला तैयार कर लिया, क्या दोनों V नॉट सेम है, गामा सेम है, C सेम है, Q पर M, इसका मतलब डेल्टा V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M आ गया ना, तो इट मींस जो सॉलिड है तो जो हॉलो है ये रेशो की आ जाएगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है ना, तो सॉलिड तो मास ऑफ सॉलिड मास ऑफ और दोनों जो केड़ा मास ज्यादा ए लेस देन 1 है, तो केड़ा मतलब ज्यादा वॉल्यूम चेंज केड़े केस च हो सॉलिड के ये हॉलो च हाँ, अगर उन्हें क्या होता है सेम हीट इज सप्लाई टू बोथ दी जगह इंक्रीज इन टेंपरेचर इज सेम इन बोथ द केसेस, ये आपा दोनों नु इतना हीट दिती है कि टेंपरेचर चेंज दोनों दा सेम है, फिर की आंसर आना सी जे उन्हें सी चेंज इन टेंपरेचर सेम दिता होता पुत्र
फिर आ पोर्शन उन्हें सेम देता, आ मटेरियल करके सेम है, आ कंडीशन करके सेम है, इट मींस दे डेल्टा भी दोनों का सेम होना सी। ये दो चीजें च फर्क है, हीट और चेंज इन टेंपरेचर नाल, इन भूलना नहीं, ये नोट करके लिख लो जल्दी दी, तो ये असाइनमेंट में लगता होएगा है, एडिंग भी नोट करके लिख लो, नोट करके कि व्हेन सेम हीट इज सप्लाइड टू identical solid and hollow spheres made of same material. Same heat is supplied to two identical spheres, one is hollow, other one is solid, both are made of same material. उस कंडीशन की गल लग गया पता, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि हीट और चेंज इन टेंपरेचर का रिलेशन क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा तो आना है। थर्मल एक्सपेंशन चेंज इन टेंपरेचर पे डिपेंड करती है, एक और गल नोट करनी है, तुम देखो मान लो आपके को ना एक मेटल शीट है, अगर मैं सिंपली पूछा भी एदा टेंपरेचर इंक्रीज कर दिता गया तो एदे साइज ते की फर्क होएगा, इंक्रीज कर है ना। अच्छा हुण इस गल नूं मान लो तुसी पता की कीता, आ जिहड़ी मेटल शीट है उहदे च ना तुसी चौक दे नाल एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, चौक दे नाल निशान लगा लिया, कलर नाल लगा लिया, ठीक है। हुण अगर इहदा टेंपरेचर इंक्रीज होएगा, टेंपरेचर वधाता, जे मैं कहां पूरी शीट का साइज की होएगा, तुसी की क्या एक्सपेंड करेगी, इंक्रीज करेगी, तो आ जिहड़ा सर्कल मार्क कीता सी इहदा साइज भी इंक्रीज ही करेगा। मतलब जे जिस रेशियो च
शीट का साइज इंक्रीज करेगा उसे रेशो से सर्कल का साइज भी बड़ा हो जाए क्योंकि शीट एक्सपेंड होती है ना। अच्छा इसी गल नूं हुण दोबारा देखो, मान लो जिथे तुसी कलर लगाया सी, कलर लगा के सर्कल बनाया सी, तुसी की कीता कटर दे नाल, कटर दे नाल उन्ना सर्कल दा हिस्सा कटता और कट के उन्हू हटाता, उथे की बन जाना गोल बन जाएगा। ते जे हुण शीट नू गर्म करूंगे तो उस होल दे साइज ते की फर्क पऊ, जिहड़ी शीट है निशान दी जगह होल आ गया ना, हुण तो हुण उस शीट नू गर्म करन ते उस होल दे साइज ते की फर्क पऊ। खाली जगह वा यहां मटेरियल है, उन्हें अल्टीमेटली की करना नेट ओदी इंक्रीज ही करना, समझ गए? क्यों? क्योंकि एड़ा निशान जेड़ा कटिया सीगा हिस्सा उन्हें भी मान लो उन्ना ही ओदा टेंपरेचर वधाऊंगे जिन्ना शीट दा वधाया, तो ओदा साइज की हो जाएगा काले वाले साइज तो लाल वाला साइज उत्ते फिट रहना सी ना, उन्हें तो होल दा साइज की होना वा इंक्रीज होना। मतलब अगर किसी भी बॉडी के अंदर होल है तो उस होल ने साइज ने इंक्रीज ही करना वा उस रेशियो च ही करना जिस रेशियो च बॉडी का साइज इंक्रीज करना विद द राइजिंग टेंपरेचर। ये याद रखनी गल, समझ गए? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट, एक ऐसे टर्म आएगी पुत्र बाइमेटालिक स्ट्रेंथ, वो की होंगी बाई मेटेलिक स्ट्रिप, दो अलग अलग मटीरियल मेटल्स नू जोड़ के बनी स्ट्रिप। आ देखियो, ये मान लो आ है थोड़ा मेटल ए और आ है थोड़ा मेटल बी और इन्हें पता की किता सी रिफ्टेड टूगैदर, रिफ्टेड समझते हैं ਜਿੱਦਾਂ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਹੈ ਇੱਕ ਰੈਡ ਕਲਰ ਵਾਲਾ ਮੈਟਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਥ ਵਾਈਜ਼ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋ ਪਾਉਣ ਜੋੜ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ, ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਸਟ੍ਰੇਟ स्ट्रेट ही है, दोनों का मटेरियल की बोलिया मैं सेम के डिफरेंट, बाई मेटालिक स्ट्रिप कादी बनी हुंदी है दो डिफरेंट मटेरियल्स दी है ना, तो जे सेम मटेरियल ही जोड़ने हैं तो एक को मटेरियल दी मोटी स्ट्रिप बना लो फिर कादी दो जोड़ने, तो डिफरेंट मटेरियल्स है ए एंड, तो दोनों का अल्फा सेम होएगा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के अलग होएगा। क्यों? मटेरियल पे डिपेंड कर। तो आप मान लेने हैं कि इधर अल्फा ए है इधर अल्फा बी है, तो ज्यादा गिना वा अपन ए दा ज्यादा मान लो बी दा घट है, एक दा ज्यादा ही होना वा तो ए दा ज्यादा मान लिया। हुण अगर थानू कोई कहे कि इसका टेंपरेचर इंक्रीज करो तो क्या टेंपरेचर इंक्रीज करने तो बाद शेप स्ट्रेट रहेगी के कर्व्ड हो जाएगी? जे कर्व्ड होएगी तो कितना भी शेप आएगी? तो देखो, जे टेंपरेचर इंक्रीज करूंगे तो दोनों की लेंथ चेंज करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। चेंज इन लेंथ केड़े-केड़े फैक्टर्स पे डिपेंड करती है पुत्र? ओरिजिनल लेंथ पे, ओरिजिनल लेंथ दोनों की सेम है, चेंज इन टेंपरेचर दोनों का
सेम होएगा पर अल्फा दोनों का अलग है, तो ज्यादा चेंज इन लेंथ के भी हो ज्यादा अल्फा ज्यादा, वो क्यों? क्योंकि चेंज इन लेंथ की होती है तो ओरिजिनल लेंथ अल्फा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। हुन एदा मतलब दोनों चो लंबा केड़ा हो? ए वाला। पर हुन जदा मान लो इधर देखियो दोनों दी लेंथ की है सेम, जे आपा दोनों नु आपस में जोड़ता रिवेटेड लगा रिवेट समझदे है ना छोटे छोटे केल लगा के, तो हुन गल सुनियो हुन जे मान लो ए दी लेंथ बढ़ गई तो क्या लेंथ इदा बढ़ेगी? ए इदा बढ़ेगी आ बढ़ गई इदा बढ़ सकती लेंथ? इदा नहीं बढ़ सकती। क्यों नहीं बढ़ सकती? जुड़े हुए एक अगे नु नहीं जा सकता, इदा मतलब फिर की करना लेंथ तो बढ़नी है, उस चक्कर च की होना पुत इदी जड़ी शेप बननी है ना ओ इदा नहीं बन जानी है कुछ। मैं हुण डिजाइन बना लगा ये इदा बनेगी शेप, हुण आ जड़ी शेप आई है ये बेंड हो गई है ना कर्व्ड, इदे विच देखो एक साइड की है one gave और आ की है convex side बन गई। लंबी साइड केड़ी बनी है? कनकेव है कि convex है? लंबाई च convex है ना, इहदा मतलब जदों भी bimetallic strip का temperature increase करेगा ताँ वो curved shape ले लेगी, एक साइड कॉन्वेक्स होएगी कनकेव होएगी, कॉन्वेक्स साइड वाला केड़ा मटेरियल होएगा जिसका अल्फा ज्यादा हो। समझेंगे ये क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यू फॉर्म च, तुम लग रही समझ जिसकी कि नहीं, तो जिसका अल्फा ज्यादा वो कॉन्वेक्स साइड वाला होना, आपका केड़ा बने अल्फा ज्यादा ए दा इस करके ए कॉन्वेक्स, जे मान लो बी दा क्या होता फिर बी हो दे हिसाब नाल बेंड हो जाता। और ये जिहड़ियां बाई मेटालिक स्ट्रिप्स है ना ये यूज कितनियां जांदियां वा, इन्हां नूं यूज करदे आ थर्मोस्टैट, थर्मोस्टैट समझदे की हुंदा? की पता टाइम हो गया है, होया कि नहीं हले हो गया ये बैग कितना वो पता इन्हें सुनो, थर्मोस्टैट को तो हुंदा थर्मो स्टैट ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 24 ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ 6 ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਕਮਰੇ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 24 ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਰੈਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਜਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਕਮਰੇ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 24 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਰੈਸਰ ਰੀਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ 4 ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸਸ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੀਮ ਪ੍ਰੈਸਸ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਿਲਕ ਲਈ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਾਟਨ ਲਈ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣੀਆਂ ਨਾ ਸਕੇਲ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਥਰਮੋਸਟੈਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਾਈ ਮੈਟੈਲਿਕ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਲਿਖੋ ਓਕੇ ਬਈ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਈ ਮੈਟੈਲਿਕ ਸਟ੍ਰਿਪ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਥਰਮਲ स्ट्रेस। देखो इला
प्लास्टिसिटी वाला टॉपिक पढ़िया, जदों कोई रॉड दी लेंथ इंक्रीज करती है तो कितना करती है, स्ट्रेस करके करती है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन यंग्स मॉडुलस की रिलेशन होता आपस च तिना का, यंग्स मॉडुलस होता स्ट्रेस केड़ी स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस ते आ हुंदी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है ना, याद है इलास्टिसिटी का कंसेप्ट है ना, ते थर्मल एक्सपेंशन का कंसेप्ट आया, चेंज इन लेंथ की होएगी ओरिजिनल लेंथ अल्फा डेल्टा थीटा ही होएगी, ध्यान दे हो। जदों आपां इलास्टिसिटी का टॉपिक पढ़ते हैं पुत, एल का मतलब की होंदा ओरिजिनल लेंथ ही होंदा, ते जदों असीं थर्मल एक्सपेंशन का टॉपिक पढ़िया सी तां ओरिजिनल लेंथ का सिंबल की ले लिया सी, एल नॉट और ते की कीता सी, तो है कि तां ओरिजिनल लेंथ की है, लो इत्थे बदल दिंदे आपां सिंबल्स नाल नहीं कन्फ्यूज होना, कंसेप्ट नूं समझना हो, तो हुण इक्को जिहा लगण लग पिया। हुण अगर पुत्तर आ देखियो, मान लो आ तुहाडे कोल इक रॉड है, इसकी ओरिजिनल लेंथ है एल नॉट, और अगर मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय डेल्टा थीटा, लेंथ की हो गई इंक्रीज, कितनी आ गया डेल्टा एल, इस डेल्टा एल की वैल्यू आ ही है पुत्र, अल्फा की है इतने कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आया, तो इस वक्त ये जी रॉड है ना इट इज फ्री टू एक्सपैंड, ये आले दुआले कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ये टेंपरेचर बदलने वाले आजादी के नाल बढ़ गई, पर मन लो कि आपा की कीता आ जिहड़ी रॉड है ना जिसकी ओरिजिनल लेंथ एल नॉट है, इहदे दोनों एंड्स ते फिक्स्ड बॉडीज अटैच करती है, मतलब से आ भी काले रंग की एक दीवार है, बड़ी मजबूत दीवार, आ भी काले रंग की दीवार है, और उधर विच आ एल नॉट फसाती, बिल्कुल एल नॉट के बराबर। अच्छा, हुण जदों इहदा टेंपरेचर इंक्रीज होएगा तो क्या इस नूं एक्सपेंड करन लई स्पेस मिलेगी, नहीं मिलेगी, एक क्लैंप बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स, तो जदों स्पेस नहीं मिलनी फिर की है, टेंपरेचर तो इहदी लेंथ बढ़ाना चाहुंदा पर जगह है नहीं बदल लई, फिर की होंदी स्ट्रेस पैदा होंदी नहीं है ना, जो फ्री नहीं पर सामने वाला गल ही नहीं करन दिंदा तो असीं अंडर स्ट्रेस आ जाने, तो इहदे लई भी यही मजबूरी होगी बेचारी लई भी इहनूं जे दोनों एंड्स वल रुकावटां ना हुंदियां की होना सी, इहने बड़े मजे नाल एक्सपैंड करना सी किन्ना डेल्टा एल है ना, पर क्लैंप तो होने करके एक्सपेंड कर नहीं सकती, इसका मतलब डेल्टा एल जो रुकावट आ गई ना इसके अंदर की पैदा हो जाएगी, इसके अंदर स्ट्रेस पैदा हो जाएगी, किसे करके टेंपरेचर बदल करके, तो उस स्ट्रेस को की कहने हैं थर्मल स्ट्रेस, उस फोर्स को की कहने हैं थर्मल फोर्स, एंड थर्मल फोर्स
ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ ਸੁਣੋ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਥਰਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਡੈਲਟਾ ਐਲ ਚ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਡੈਲਟਾ ਐਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰੂੰਗੇ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਬਣ ਗਈ ਐਫ ਐਲ ਨੋਟ ਏ ਵਾਈ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਬਣ ਗਈ ਐਲ ਨੋਟ ਅਲਫਾ ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ, ਐਲ ਨੋਟ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਫ ਓਵਰ ਏ ਰੱਖ ਲਉਂਗੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਂ ਵਾਈ ਅਲਫਾ ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗੀ ਥਰਮਲ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਭੇਜ ਦੋਗੇ ਇੱਧਰ ਐਫ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆ ਜਾਏਗੀ ਥਰਮਲ ਫੋਰਸ। ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਦੋ ਕਨਸੈਪਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਥਰਮਲ ਵਾਲਾ ਔਰ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਜੋ ਰੋਡ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਪੇਸ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ, ਥਰਮਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਾਂ ਥਰਮਲ ਫੋਰਸ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਿਕਾਲੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਥਰਮਲ ਲੀਨੀਅਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੇਂਜ ਇਨ ਲੈਂਥ ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਇਕੁਏਟ ਕਰਕੇ ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਟ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ ਆਓ, ਇੰਨੀ ਲੱਗੀ ਸਮਝ ਅੱਜ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਕਸੀਮਮ ਆਪਣਾ ਥਰਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਥਰੈਟੀਕਲ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਦਿਖਾਇਓ, ਇਹ ਫਟਾਫਟ ਹੀ ਬੈਠਣੇ ਬੈਠੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਹੁਣ, ਪਰ 7 ਪੜੋ ਤੇ ਰੈਕ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ, ਲੈ ਆਓ ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਪੜੋ ਮੈਂ ਯਾਰ 6 ਗਾਰਡਨ ਰੋਡ ਹੀ ਆ ਗਈ, ਲੱਭਣਾ ਇਹਦੇ ਚ ਥਰਮਲ ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਗਾਰਡਨ ਯੰਗਸ ਮੋਡੂਲਸ ਪਤਾ, ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਪਤਾ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਜੂਗੇ। ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, 8 ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਬਸ ਥਿਊਰੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਆ ਕੁਛ। ਦੇਖੋ 8 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਥਰਮਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਥਰਮਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੀ ਕੱਢਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਯਾਹੀ ਲੱਗਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਚ ਯੰਗਸ ਮੋਡੂਲਸ ਦਿੱਤਾ, ਅਲਫਾ ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ
अच्छा ये जो उल्टा बोल इन्हें दो पार्ट ले लेना। देखो ये थोड़ा अलग हट गया वा, कंसेप्ट यही है, बट ये जो पार्ट एडिशनल हो गया। मान लो एक अपना रॉड लटकाई हुई है, ठीक है, मेटल रॉड है, उसका टेंपरेचर जे बता देने तो वो लंबी हो जानी सी, पर वो कहता उन्हें घटा दिता टेंपरेचर। देखो यही है ना, इसका मतलब वो लेंथ की हो जानी छोटी, ठीक है। हुण टेंपरेचर तो वो लेंथ करन चाहता छोटी, ते आपां वो होन नहीं देनी, उन्हें बचाना। देखो छोटी हो तो देखो पढ़ो इंग्लिश क्या होने होने की करना पड़ा भी, टेम्परेचर उन्हें ऊपर नू जा रहा है, आपां उन्हें फाड़ के थल्ले नू खींचिए, या तो थल्ले नू खींचिए या कोई भारी चीज उसे लटका दीजिए, है ना। इसका मतलब वो जी डेल्टा एल है, आवाज जी डेल्टा एल है वो आपां कितों कट लेनी है, इस फार्मूला को ओरिजिनल लेंथ चेंज इन अल्फा दे आवाज केस, है ना। आई इसकी वैल्यू इतने पुट करनी है, जो असि एफ की जगह की लिख लेना एम जी, जिड़ी लटक रहे मास का वेट है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट करने तो रोक रहा वा। मतलब इस फार्मूला च एफ की जगह की लिख लेना एम जी। क्वेश्चन समझना पड़ना ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है थोड़ा, एम जी लिख लेना तो तू एम आ जाना। क्यों, देखो जी पता ही है, अल्फा पता, वाई पता, डेल्टा थीटा पता, एरिया पता, वो एम जेड़ा लटका के उन्हों जिदा इतने आ जेड़े दो क्लैंप्स है एक एक्सपेंड करन तो रोक रहे सी, उत्थे जेड़ा एक एंड फ्री एंड ते वेट लटकाया गया वो वेट जेड़ा वा वो की है उन्हों कॉन्ट्रैक्ट होने तो रोके, तो मतलब इतने एफ नू एम जी लिखना पड़ा। करके देख लियो, जब लगी नहीं कंफ्यूजन तक सॉल्व करना।